नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हथियारों के क्षेत्र में टर्की ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। दोस्तों, तुर्की के मानव रहित जेट बायक्टार किजलेमा और ड्रोन अंकिची ने फॉर्मेशन फ्लाइट का संचालन किया है। दोस्तों, टर्की के स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू विमान बायक्टार किजलेमा ने अपने उड़ान परीक्षण अभियान में एक और मील का पत्थर हासिल किया है। दोस्तों, विकासशील कंपनी बायकर के एक बयान के अनुसार अभियान योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, देश के पहले मानव रहित फाइटर जेट बायक्टार किजलेमा ने उत्तर पश्चिम टेकिरडार प्रांत के कोरुल जिले में अकिनी फ्लाइट ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर में 9वीं और 10वीं उड़ान परीक्षणों के दौरान सफलतापूर्वक बायकर के बायक्टार अंकिची मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यूसीएवी के साथ एक फॉर्मेशन फ्लाइट का संचालन किया। यह पहली बार चिन्हित करता है कि दो मानव रहित हवाई वाहन फॉर्मेशन फ्लाइट में एक साथ उड़े गए। दोस्तों, बायक्टार किजलेमा परियोजना, जिसने सफलतापूर्वक दो प्रोटोटाइप का उत्पादन किया है, वर्तमान में विकास और उत्पादन के चरण में है। टेकन फेस्ट 2023 इवेंट के हिस्से के रूप में जनता को 27 अप्रैल से 1 मई तक अतातुर्क हवाई अड्डे पर विमान देखने का अवसर मिलेगा। बायकर ने 2024 तक राष्ट्रीय मानव रहित युद्धक विमान का बड़े पैमाने का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। दोस्तों, 10 अप्रैल को तुर्की नौसेना के फ्लैगशिप TCG अनाडोल दुनिया का पहला UCAV जहाज का इन्वेंट्री स्वीकृत समारोह आयोजित किया जाता था, जहां फ्लाइट डेक पर बायक्टार किजलेमा और बायक्टार TB3 UCAV को प्रस्तुत किया गया था। 2025 में TCG अनादोलू से उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना के साथ बायक्टार किजलेमा मानव रहित लड़ाकू विमान का दूसरा प्रोटोटाइप इस कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों, 17 अप्रैल को TCG अनादोलू जहाज और बायक्टार किजलेमा और बायक्टार TB3 को इस्तांबुल के सरयाबुरनू पोर्ट पर सार्वजनिक यात्रा के लिए खोला गया। हजारों लोगों ने नाव का दौरा किया और उड़ान डेक पर विमान को देखने का अवसर मिला। दोस्तों, 2021 में बायकर ने अपनी इक्विटी पूंजी द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित बायक्टार किजलेमा परियोजना शुरू की। 14 नवंबर 2022 को बायक्टार किजलेमा पूंछ संख्या TC OJW के साथ कोल्लू में अंकिनी उड़ान परीक्षण और परीक्षण केंद्र में स्थानांतरित किया गया था। सफल जमीनी परीक्षण के बाद विमान ने 14 दिसंबर 2022 को अपनी पहली उड़ान भरी। बायक्टार किजलेमा ने केवल एक वर्ष के रिकॉर्ड समय में आसमान में उड़ान भरी। हाल ही में विमान ने 18 से 20 अप्रैल के बीच 4 उड़ानों सहित 8 उड़ानों संचालित करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इन उड़ानों के दौरान विमान ने अपने लैंडिंग गियर के वापस लेने के साथ उच्च गति पर सफल सिस्टम पहचान और पैंतरेबाजी परीक्षण किया। दोस्तों, बायक्टार किजलेमा इन परीक्षणों में 630 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे 390 मील प्रति घंटा भी कहते हैं, की गति तक पहुंचाया गया। दोस्तों, हवा से हवा में मुकाबला, बायक्टार किजलेमा मानव रहित लड़ाकू विमान को कृत्रिम बुद्धि बता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और हवा से जमीन पर मिशन की सहायता से हवा से हवा में मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान का कम रडार क्रॉस सेक्शन तुर्की को कम दृश्यता में महत्वपूर्ण लाभ देगा। मतलब दोस्तों, इस विमान का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, इसलिए रडार पर यह नजर नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त छोटे रनवे वाले जहाजों पर उतरने और उतरने की विमान की अनूठी क्षमता युद्ध के मैदान में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे लचीलेपन और परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। दोस्तों, बहुत ही छोटे या उबड़ खाबड़ रनवे पर भी यह उतर सकता है, टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। बायक्टार किजलेमा, जिसका भार 8.5 टन है और जिसकी पेलोड क्षमता 1500 किलोग्राम है, जिसे 3300 पाउंड में है, राष्ट्रीय ASI रडार के साथ उच्च स्थिति जन्य जागरूकता भी होगी। दोस्तों, नतीजनन मानव रहित विमान जो सभी राष्ट्रीय स्तर पर विकसित गोला बारूद का उपयोग करेगा, बुद्धिमान बेड़े की ऑटोनोमस के साथ काम कर सकता है, ऑटोनोमी के साथ काम कर सकता है। मतलब कुवैत के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कठोर चयन प्रक्रिया में अमेरिकी, यूरोपीय और चीनी प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने के बाद बायकर ने अपने बायक्टार TB2 के लिए 370 मिलियन TL 7.90 मिलियन मूल्य के एक महत्वपूर्ण निर्यात अनुबंध के साथ 2023 से शुरुआत की। दोस्तों, 2003 में UAE R&D प्रक्रिया के बाद में बायक्टार ने अपने राजस्व का 75% निर्यात से उत्पन्न किया। तुर्की एक्सपोर्टर्स असेंबली TIM के आंकड़ों के अनुसार 2021 में यह रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग में अग्रणी निर्यात बन गया। दोस्तों, 2022 में बायक्टार ने 99.3% की निर्यात दर हासिल की और 1.18 बिलियन TL 22.91 बिलियन मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया, जिसमें खुद को रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग में 1.4 बिलियन के टर्नओवर के साथ शीर्ष निर्यात के रूप में स्थापित किया। आज तक बायक्टार ने अपने बायक्टार TB2 UCAV के लिए 28 देशों के साथ और इसके बायक्टार अंकिची के लिए 6 देशों के साथ निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें मानव रहित हवाई वाहनों के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रवर्तक और निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत
मजबूत किया है। दोस्तों टर्की भारत से आगे कैसे निकल गया है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों टर्की और भारत में टेक्नोलॉजी टर्की से कई गुना आगे हैं, उसके बावजूद भारत पीछे रहने की वजह है भारत का ढीला रवैया। दोस्तों भारत को प्राइवेट कंपनियों को मौका नहीं देना है, अब दोस्तों मोदी सरकार ने आई है, इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया है, फिर भी दोस्तों इस तरह से हम प्राइवेट कंपनियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से टर्की कर रहा है। दोस्तों हम HL अभी तक हमारे LCA तेजस MK1 की डिलीवरी नहीं कर पाया है, उसके बाद दोस्तों हमारे को MK विमान का प्रोटोटाइप की आवश्यकता है, TEDBF की आवश्यकता है, अनमैन एयरक्राफ्ट घातक UCAV की भी अभी मतलब प्रोटोटाइप बनाना बाकी है, और भी बहुत सारे हथियार में। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टर्की और भारत ने हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन बनाना साथ में चालू किया था 2010 से। भारत आज तक दोस्तों अपने रुस्तम 2 और आर्चर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन को अभी तक बनाने में लगा हुआ है, पूरी सफलता भारत को नहीं मिली है। ये कहा जा रहा है कि जब अमेरिका MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा तब भारत में जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी और भारत पूरी तरह से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन बना पाएगा। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं, टेक्नोलॉजी की कमी हो तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, पर दोस्तों अगर ये कमी हो हमारे पास कि हमारा ढीला रवैया हो, हम HL के पर निर्भर हों केवल एक कंपनी पर जो घातक UCAV भी बना रहा है, HL FT-42 भी बना रहा है, तेजस MK-1 भी बना रहा है, MK भी बना रहा है, TEDBF भी बना रहा है, तो एक ही कंपनी सारे एयरक्राफ्ट नहीं बना सकती। दोस्तों हमारा रवैया चेंज करना होगा, जिस तरह से हमने L&T कंपनी को हमारी टॉप बनाने के लिए कहा था और उन्होंने कितनी जल्दी समय से पहले हमारे को पहले दे दी थी, तो इसी तरह भारत को ड्रोन के लिए भी भारत की प्राइवेट कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी DRDO को, न कि HL को। दोस्तों इससे कंपटीशन बढ़ेगा और एक से एक कंपनियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और प्राइवेट कंपनियां अपनी क्षमता को मनवाए रखने के लिए जल्दी से जल्दी हथियार भारत की आर्मी और एयरफोर्स को टेस्ट के लिए भेज देगी। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या भारत को इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए या भारत दोस्तों अभी, आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों, हमारा तेजस एयरक्राफ्ट 30 साल से बन रहा है वो कोई बात नहीं, उसके बाद भी दोस्तों हमारा तेजस एयरक्राफ्ट बन के हमारे पास डिलीवर हो चुका है। उस समय टर्की सोच रहा था कि हम भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाएंगे, दोस्तों अपने प्रोटोटाइप की उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और उसमें और जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में उनमें सेम इंजन का उपयोग हो रहा है। उसके बाद दोस्तों घातक UCAV का प्रोटोटाइप हमारे बाद बनाने लगा, उसने रोल आउट कर लिया, हमारे बाद अनमैन एयरक्राफ्ट का अभी तक हमारे पता ही नहीं है, उसने 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया दोस्तों और उसका उड़ान परीक्षण आज अंकिची ड्रोन के साथ कर लिया। तो दोस्तों हमारे को कुछ करना होगा और हमारे को टर्की से आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमारे को 2 फ्रंट वार का खतरा है, चाइना और पाकिस्तान से लोहा लेना है। आपकी क्या राय है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।